आज का हमारा जो टॉपिक है लेक्चर का वो है आपका नेचर ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी। ठीक है, तो न्यूरोसाइकोलॉजी के नेचर के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जब हम नेचर ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि न्यूरोसाइकोलॉजी होता क्या है। तो डेफिनेशन जो है वो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। Neuropsychology is a branch of psychology that is concerned with how the brain and the rest of the nervous system influence a person's cognition and behaviors. ये अपना माइक म्यूट करो। न्यूरोसाइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो मेनली हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो है उसके बारे में स्टडी करती है कि हमारा ब्रेन और बाकी का जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे किसी पर्सन के कॉग्निशन यानी संज्ञान और व्यवहार को किस तरीके से प्रभावित करता है उसके बारे में न्यूरोसाइकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बाद इन दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी द फोकस इज ऑन हाउ इंजरीज और इलनेस ऑफ द ब्रेन अफेक्ट कॉग्निटिव फंक्शंस एंड बिहेवियर। तो न्यूरोसाइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी की ऐसी ब्रांच है यानी शाखा है जो कि मेनली इस बात पर फोकस करती है कि हमारे मस्तिष्क में अगर किसी तरह की इलनेस आ जाती है या किसी तरह की चोट या इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है हमारे ब्रेन में किसी तरह की, तो उसका असर जो है वो किसी भी व्यक्ति के संज्ञानात्मक कार्यों पर और उसके बिहेवियर के ऊपर क्या पड़ता है, इस चीज को हम स्टडी करते हैं न्यूरो साइकोलॉजी। एंड नेक्स्ट इज इट इज द सब स्पेशलिटी ऑफ द साइकोलॉजी दैट स्टडीज ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप। तो ये साइकोलॉजी का ही एक सब स्पेशलिटी है यानी सब फील्ड है, एक तरह की शाखा है साइकोलॉजी की ही, जिसमें हम मेनली मस्तिष्क और व्यवहार के रिलेशनशिप यानी उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, ब्रेन में किसी तरह का डिसफंक्शन होने का हमारे बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है या ब्रेन में किसी तरह की इलनेस होने पर किस तरह का इफेक्ट हमारे बिहेवियर के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, इन सब चीजों को हम न्यूरोसाइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज न्यूरोसाइकोलॉजी इज अ डाइवर्स फील्ड दैट इंक्लूड्स एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसाइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप्स इन ह्यूमन as well as non-humans, cognitive neuropsychology, the study of normal cognition in humans, behavioral neuropsychology, the blending of behavioral theory and neuropsychological principles, clinical neuropsychology, the study of brain-behavior relationships in human. तो न्यूरोसाइकोलॉजी जो है वो एक विस्तृत शाखा है या विस्तृत फील्ड है जिसके अंदर फर्दर जो है बहुत सारी ब्रांचेस इंक्लूड होती हैं या बहुत सारी सब फील्ड इंक्लूड होती हैं जिसमें हम न्यूरोसाइकोलॉजी में हम इन चीजों को स्टडी करते हैं। पहला क्या है, एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसाइकोलॉजी। ब्रेन और बिहेवियर के बीच में रिलेशनशिप का अध्ययन भी हम इसमें करते हैं, ह्यूमंस में भी और नॉन ह्यूमंस में भी। इसके अलावा संज्ञानात्मक न्यूरोसाइकोलॉजी भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। ह्यूमंस के अंदर जो सामान्य संज्ञान है उसका अध्ययन हम करते हैं। व्यवहारात्मक न्यूरोसाइकोलॉजी भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। इसके अलावा बिहेवियरल थ्योरीज यानी व्यवहारात्मक सिद्धांत और न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो सिद्धांत हैं, उनकी ब्लेंडिंग यानी उनका मिश्रण
उसका अध्ययन हम करते हैं इसमें, और क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा ह्यूमंस के अंदर मस्तिष्क और व्यवहार के रिलेशनशिप का अध्ययन भी हम न्यूरोसाइकोलॉजी के अंदर करते हैं, यानी ये सभी जो चीजें हैं वो न्यूरोसाइकोलॉजी के अंदर इंक्लूड होती हैं। द मेन डिस्कवरीज हैव बीन ऑब्टेन्ड थ्रू स्टडीज ऑफ इंजरीज, ऑब्जर्विंग व्हाट बिहेवियर्स द सब्जेक्ट स्टॉप्ड ड्यूरिंग आफ्टर डैमेज इन अ सर्टेन एरिया ऑफ द ब्रेन। दीज स्टडीज कम फ्रॉम बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो जब हम बात करते हैं कि न्यूरोसाइकोलॉजी में जो डिस्कवरीज हुई या न्यूरोसाइकोलॉजी जब एमर्ज हुई ये ब्रांच, तो मेनली इसकी स्टडीज जो है वो कहाँ से आई? तो जो ज्यादातर जो खोज है न्यूरोसाइकोलॉजी में उनको कहाँ से लिया जाता है? उनको लिया जाता है ब्रेन में जितनी भी जो इंजरीज होती हैं, ब्रेन में किसी तरह की चोट लग गई, ब्रेन में इलनेस हो गई किसी तरह की, ठीक है, उनका अध्ययन करके कि ब्रेन में इंजरी होने की वजह से उसका किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, या ब्रेन के किसी सर्टेन एरिया में डैमेज होने की वजह से किसी पर्टिकुलर, मान लो ओसिपिटल लोब डैमेज हो गई या टेम्पोरल लोब डैमेज हो गई ब्रेन की, तो उस पर्टिकुलर एरिया के डैमेज होने की वजह से उस व्यक्ति में, उस व्यक्ति के फिजिकल या फिर कॉग्निटिव एबिलिटीज में किस तरह के चेंजेस आते हैं, या कोई पर्टिकुलर उसके शरीर का या उसके मस्तिष्क में जो है पर्टिकुलर कौन सी क्रिया का होना बंद हो जाता है, इन सब चीजों को हम स्टडी करते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी में। और ये सारी जो स्टडीज हैं वो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के ऊपर स्टडी करके ही पता लगाई गई हैं कि ब्रेन के कौन से पर्टिकुलर एरिया में डैमेज या इलनेस होने से किस तरीके का असर जो है वो हमारे व्यवहार पर या फिर एनिमल्स के व्यवहार पर पड़ता है। न्यूरोसाइकोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस। तो न्यूरोसाइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी इन दोनों को मिलाकर जो है वो न्यूरोसाइकोलॉजी एक न्यू ब्रांच जो है वो बनी है। इट टेक्स फ्रॉम साइकोलॉजी द इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल एंड इमोशनल डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो क्योंकि दोनों का मिश्रण है न्यूरोसाइकोलॉजी, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस का, तो जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी से क्या क्या लिया है न्यूरोसाइकोलॉजी ने, तो साइकोलॉजी से न्यूरोसाइकोलॉजी ने जो है वो संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और संवेगात्मक, यानी इमोशंस से रिलेटेड, संवेगों से रिलेटेड जितनी भी ह्यूमन बीइंग्स की, जितनी भी हम इंसानों की जो ये तीनों डायमेंशन है इनके बारे में अध्ययन जो किया जाता है उसको न्यूरोसाइकोलॉजी ने कहां से लिया है, साइकोलॉजी से ऑप्ट किया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि न्यूरोसाइंस का भी मिश्रण है इसमें, तो न्यूरोसाइंस का मिश्रण कैसे कह सकते हैं हम, व्हाइल इट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम न्यूरोसाइंसेस इट्स थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम एज वेल एज पॉसिबल पैथोलॉजीज एंड एबनॉर्मैलिटीज ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब यहाँ न्यूरोसाइंस की बात ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो न्यूरोसाइकोलॉजी है उसका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो न्यूरोसाइंस से लिया गया है, यानी कि हम न्यूरोसाइकोलॉजी में हमारे नर्वस सिस्टम में अगर किसी तरह की असामान्यता आ गई है, एबनॉर्मैलिटीज आ गई हैं या किसी तरह की विकृति आ गई है, यानी कोई पैथोलॉजी है हमारे नर्वस सिस्टम में, और नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर यानी नर्वस सिस्टम की संरचना और उसके कार्यों के बारे में हम स्टडी करते हैं, यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग बोथ को हम स्टडी करते हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क न्यूरोसाइकोलॉजी ने न्यूरोसाइंस से लिया है, इसीलिए इसको साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस दोनों का मिश्रण कहा गया है। इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बिकॉज पार्ट ऑफ नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम द साइकोलॉजी, एनाटॉमी, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकियाट्री एंड फार्माकोलॉजी एक्सेट्रा। तो जो न्यूरोसाइकोलॉजी
वो एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, यानी बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन को मिलाकर बना है एक तरीके से, न्यूरोसाइकोलॉजी हमें कह सकते हैं। तो इसमें जो है फर्दर बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स की नॉलेज देखने को मिलती है, और मेनली जो है वो अलग अलग डिसिप्लिन कौन सी है इसमें, एक तो साइकोलॉजी है आपका, उसके अलावा एनाटॉमी यानी शरीर रचना विज्ञान वो भी इसमें कहीं ना कहीं स्टडी किया जाता है, बायोलॉजी के भी कंसेप्ट यानी जीव विज्ञान के कंसेप्ट इसमें लिए गए हैं, फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान इसको भी इसमें स्टडी किया जाता है, साइकेट्री और फार्माकोलॉजी, ठीक है, इन सबको कहीं ना कहीं जो है न्यूरोसाइकोलॉजी में कहीं ना कहीं स्टडी किया जाता है, या इनकी अध्ययन की जरूरत न्यूरोसाइकोलॉजी में पड़ती है। न्यूरोसाइकोलॉजी फोकसेस ऑन हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, फॉर एग्जांपल अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, विजुअल स्पेशल फंक्शंस एक्सेट्रा। तो जो न्यूरोसाइकोलॉजी है वो मेनली हमारे जो उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के ऊपर मेन फोकस करता है न्यूरोसाइकोलॉजी। अब जो हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस या हायर मेंटल प्रोसेसेस होती हैं, ये आपको पहले भी पता है आप सबको कौन कौन सी होती हैं, अटेंशन है जैसे, मेमोरी है, लैंग्वेज है भाषा, और विजुअल स्पेशल फंक्शंस, ठीक है, ये सब हमारे कॉग्निटिव हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस या हायर मेंटल प्रोसेसेस के अंदर आते हैं। तो इन सब का अध्ययन जो है वो न्यूरोसाइकोलॉजी में किया जाता है। न्यूरोसाइकोलॉजी इज अ मॉडर्न साइंस दैट डेवलप्ड फ्रॉम द मिड 20th सेंचुरी। द टर्म न्यूरोसाइकोलॉजी वाज फर्स्ट कलेक्टेड इन डिक्शनरीज इन 1893। It was defined as a discipline that seeks to integrate psychological observation of the behavior with neurological observations of the nervous system. Neuropsychology जो है वो एक modern science है। Neuropsychology एक modern science है जो कि mid 20th century में डेवलप हुई थी। जो न्यूरोसाइकोलॉजी अगर टर्म की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है इस टर्म को 1893 की डिक्शनरीज में देखा गया था, और इसको जो है एक ऐसे डिसिप्लिन के रूप में डिफाइन किया गया था जो कि नर्वस सिस्टम के न्यूरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस को करके उसका इफेक्ट हमारे बिहेवियर के ऊपर देखती है, या हमारी जो साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है हमारे व्यवहार की मनोवैज्ञानिक अध्ययन को स्टडी करती हैं, इसके रूप में जो है न्यूरोसाइकोलॉजी को 1893 में डिक्शनरीज में सबसे पहले डिफाइन किया गया था। इवन सो द टर्म न्यूरोसाइकोलॉजी वाज यूज्ड इन मॉडरेशन, इट बिगेन टू स्प्रेड इन 1930 व्हेन हेब यूज्ड इट इन हिज बुक The Determinants of Behavior in Neuropsychological Analysis। इसके बाद 1893 के बाद जो है वो 1930 में जो है बहुत ज्यादा स्प्रेड होना स्टार्ट हो गई थी न्यूरोसाइकोलॉजी। इसके बाद कब, जबकि हेब जो है एक न्यूरोसाइंटिस्ट थे हेब, तो जो हेब थे उन्होंने अपनी बुक द डिटरमिनेंट्स ऑफ बिहेवियर इन न्यूरोसाइकोलॉजिकल एनालिसिस, ये हेब की बुक का नाम है, उन्होंने जो है न्यूरोसाइकोलॉजी टर्म का यूज अपनी बुक में 1930 में किया था। इसके बाद न्यूरोसाइकोलॉजी का जो कंसेप्ट है या जो उसकी स्टडीज हैं वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होना स्टार्ट हो गई थी। बट द टर्म बिकेम मोर स्ट्रॉन्गली कंसोलिडेटेड व्हेन हैंस एल ट्यूबर प्रेजेंटेड हिज वर्क Neuropsychology in the Congress of the American Psychological Association on Diagnostic and Psychological Test in 1948. हेब के बाद जो है एक और नाम आता है न्यूरोसाइकोलॉजी के फील्ड में, हैंस एल ट्यूबर।
तो इन्होंने भी बहुत ज्यादा काम किया था न्यूरोसाइकोलॉजी के फील्ड में। तो 1930 में हेब के काम के बाद 1948 में ट्यूबर ने जो है वो APA यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की कांग्रेस हुई थी, उसमें जो है वो न्यूरोसाइकोलॉजी के ऊपर अपने काम को प्रस्तुत किया था 1948 में। तो इसके बाद जो है न्यूरोसाइकोलॉजी में फर्दर और स्टडीज जो हैं वो देखने को मिली। बिटवीन 1950 एंड 1965 ह्यूमन न्यूरोसाइकोलॉजी एक्वायर्ड अ ग्रेट डेवलपमेंट। ही बिकेम फेम विद द अपीयरेंस ऑफ टू स्पेशलाइज्ड इंटरनल जर्नल्स, न्यूरोसाइकोलॉजी फाउंडेड इन फ्रांस इन 1963 बाय हेनरी हेकन एंड कोटेक्स फाउंडेड बाय एन यू डे रेंजी इन 1964 इन इटली। अब 1948 में ट्यूबर के काम के बाद 1950 से 1965 के बीच में ह्यूमन न्यूरोसाइकोलॉजी में जो है वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला। और मेनली जो इस ड्यूरेशन में जो काम मेनली माना जाता है वो दो इंटरनेशनल जर्नल्स का मेन इसमें इफेक्ट देखा जाता है। तो इन दोनों जर्नल के नाम क्या क्या है, एक तो है न्यूरोसाइकोलॉजी और दूसरा है कोटेक्स, ठीक है। तो ये दो इंटरनेशनल जर्नल थे जिनमें न्यूरोसाइकोलॉजी के ऊपर काफी ज्यादा काम देखने को मिला था। अब न्यूरोसाइकोलॉजी जो इंटरनेशनल जर्नल था वो फ्रांस में फाउंडेड हुआ था 1963 में, हेनरी हेकन ने इसको इसकी फाउंडेशन रखी थी। और जो कोटेक्स नाम का इंटरनेशनल जर्नल है उसको रेंजी ने 1964 में इटली में फाउंड किया था। Various societies were created as the International Neuropsychological Society or INS and the Division of Neuropsychology of the APA in the United States. तो इसके बाद इनके काम के बाद और बहुत सारी further societies create हुई इन international journals के बाद, और बहुत सारी societies देखने को मिली जो कि International Neuropsychological Societies के नाम से famous हुई, या short form में जिनको INS बोला जाता है, इनके नाम से फेमस हुई। और डिवीजन ऑफ जो यूनाइटेड स्टेट में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है उसमें न्यूरोसाइकोलॉजी का एक अलग डिवीजन बनाया गया। अकॉर्डिंग टू द अर्डिला एंड रोजेली 2007 वी कैन डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी इन फोर पीरियड्स। तो अर्डिला एंड रोजेली के अकॉर्डिंग न्यूरोसाइकोलॉजी का जो इतिहास है उसको हम चार पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर जो फर्स्ट पीरियड है वो है आपका प्री क्लासिक पीरियड अंटिल 1861। तो बाकी आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हिस्ट्री जो है वो हम कल के लेक्चर में करेंगे।